गाइज, माई नेम इज शालू एंड वेलकम टू माई चैनल शालू ब्यूटी एंड फैशन, वेयर आई टॉक अबाउट लॉट ऑफ ब्यूटी लाइफ स्टाइल डी आई वाई स्टाइलिंग वीडियोज एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रिलेटेड ब्यूटी एंड फैशन. सो या विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट गेट स्टार्टेड. आज मैं आप लोगों के साथ 5 सूट सेट शेयर करूंगी या फिर बताऊंगी कि किस तरह के सूट सेट आप लोगों के पास इस अपकमिंग फेस्टिवल या फिर वेडिंग सीजन आपके पास होने चाहिए. तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला सूट सेट आपके पास होना चाहिए, दैट इज सरारा और गरारा सूट सेट. यस, हम सब जानते हैं कि सरारा गरारा इन दिनों कितना ज़्यादा ट्रेंड में है. सो आपके पास किसी भी तरह का सिफॉन, जॉर्जेट, कॉटन, किसी भी तरह का सरारा या गरारा सूट सेट होना चाहिए. मेरे पास दो, आप ये देखो, कुछ दिनों पहले इसके ऊपर मैंने लुक बुक और बहुत सारे शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किए हैं. एक ये रस्टिक कलर का है एंड दूसरा जो है मेरा बेज कलर का है, जिसे मैंने अपने प्रीवियस राखी में पहना था. सो आपके पास भी एक सरारा या गरारा सूट सेट डेफिनेटली होना चाहिए इस अपकमिंग फेस्टिवल या फिर वेडिंग. जो दूसरे तरीके की सूट सेट आपके पास होनी चाहिए, दैट इज़ अ फॉयल प्रिंट. फॉयल प्रिंट भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, नो डाउट. फॉयल प्रिंट भी अभी तक ट्रेंड के बाहर नहीं गए हैं. तो आपके पास एक फॉयल प्रिंट का कुर्ता या सूट सेट जो भी आप लेना चाहते हो, डेफिनेटली आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो. चॉइस आपकी है, आपको प्रिंटेड चाहिए, किस तरह का चाहिए. सो मैंने कुछ दिनों पहले ये फ्लिपकार्ट से लिया था. दिस इज अ मस्ट बाय फ्रॉम फ्लिपकार्ट. जो रेंज मुझे प्रोवाइड हुई थी, दैट इज आई थिंक 500. इसका रिव्यू भी मैंने करा है, तो मैं आपको लास्ट में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो. सो इसमें जो है प्रिंट के ऊपर फॉइल प्रिंटिंग होके रखी है एंड फॉइल प्रिंट के कपड़ों को आप कैसे वॉश कर सकते हो, उसके ऊपर भी मेरा पर्टिकुलर एक वीडियो है. उस पर आप लोगों का प्यार मिल रहा है एंड अभी तक मिल रहा है, तो वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हो. सो प्लीज इन्वेस्ट इन वन फॉइल प्रिंट कुर्ताज और सूट सेट. जो तीसरे तरह का सूट सेट आपके पास होना चाहिए इस अपकमिंग फेस्टिवल, वो है काफ्तान्स. यस, काफ्तान भी इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है. मेरे पास एक्चुअली काफ्तान कुर्ता, कोई पर्टिकुलर कोई काफ्तान कुर्ता नहीं है. मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं एक काफ्तान कुर्ता जो है बनाऊंगी, बट मैंने काफ्तान टॉप बनाया है एंड मेरे पास दो काफ्तान टॉप है. एक जो मैंने बनाया है वो पुराने दुपट्टा से बनाया है एंड ये जो है मैंने बोलो तो बिना कॉस्ट के बनाया है पुराने ब्लाउज पीस से. सो इन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इफ़ यू विश आप चेक कर सकते हो. सो आपके पास एक काफ्तान मीन्स काफ्तान कुर्ता या काफ्तान टॉप में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसे आप मल्टीपल वे में स्टाइल कर सकते हो. पहले मैंने जब ये ब्लू कलर का काफ्तान था, तो मैंने इसे जीन्स के साथ स्टाइल करा, फिर मैंने अपने स्कर्ट के साथ स्टाइल करा, फिर एक बार मैंने इसे अपनी साड़ी के साथ भी स्टाइल करा है. सो ये भी एक बहुत ही वर्सेटाइल वे है काफ्तान टॉप को यूज़ करने का. एंड काफ्तान कुर्ता भी आप लेते हो तो वो भी, उसे भी आप बहुत ही वर्सेटाइल वे में आप स्टाइल कर सकते हो. जब मैं काफ्तान कुर्ता बना लूँगी, सो डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप एक काफ्तान को डिफरेंट वे में कैसे स्टाइल कर सकते हो. सो यू शुड इन्वेस्ट इन काफ्तान कुर्ता दिस वेडिंग सीजन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कुर्ता सेट, उसके पहले वीडियो किसी भी रीजन से अच्छे लग रही हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड मेरी वीडियो को लाइक करिएगा. प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, रिलेटिव, आस पड़ोस सब में मेरी वीडियोज़ को शेयर करिए. जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये बंदी बहुत मेहनत करी है, इसको जो है एक कहते हैं कि अच्छा लगे तो आगे 3 इंसानों को पास करो, जय हो, मैं आप लोगों ने देखा होगा. सो ये मेरी ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फ्रेंड फैमिलीज में मेरी वीडियो शेयर करें, क्योंकि आपका एक एक शेयर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आपका प्यार बहुत ज़्यादा मायने रखता है एंड आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं बहुत ही जल्दी अपने सब्सक्राइबर भी मीन्स शो करने वाली हूँ. मेरा टारगेट हो सो मीन्स जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए. एंड आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, मेरे सारे सोशल मीडिया के लिंक एंड मेरे ब्लॉग चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. वो एक नियॉन या फिर मैं बोलूँ वाइब्रेंट सूट सेट में ज़रूर इन्वेस्ट करना, लाइक पेस्टल नियॉन. अगर आप बहुत ब्राइट नियॉन्स में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप पेस्टल नियॉन्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक पेस्टल ग्रीन नियॉन, लाइक पेस्टल मीन्स फ्रूशिया पिंक. सो इस तरह के नियॉन कलर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो. नो डाउट नियॉन्स इन दिनों छाया हुआ है, हर तरफ छाया हुआ है. मैं कुछ की इमेजेस यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए. सो अगर आपको कुछ डिफरेंट पहनना पसंद है, आप चाहते हो कि आप नियॉन में इन्वेस्ट करो, तो मैं यहाँ पे एक टिप आपको देना चाहूँगी कि अगर आप नियॉन में मीन्स इन्वेस्ट करते हो, सो ऑलवेज इन्वेस्ट इन सॉलिड कलर नियॉन्स. यस, आपको सॉलिड कलर नियॉन्स में नियॉन में आपको इन्वेस्ट करना है. एंड दूसरा,
कि अगर आपको मीन्स डाउट है कि आपके ऊपर कैसा लगेगा, तो आप मैट फिनिश के नियॉन में आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट दो टिप जो मैंने नियॉन से रिलेटेड आपको बताए, ये आपका बहुत ही लॉन्ग टाइम तक आपकी वैलिडिटी का एक पार्ट होगा। सो आप इन टिप को फॉलो कर सकते हो अगर आप पहली बार नियॉन को ट्राई करना चाहते हो। बट मेरी मानो तो आप इस वेडिंग या फेस्टिवल सीजन नियॉन के सूट सेट में मींस वाइब्रेंट कलर के सूट सेट में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। जो नेक्स्ट तरह का सूट सेट इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है वो है मींस धोती पैंट के साथ में शॉर्ट पेपलम या अनारकली वाले जो सूट सेट है, इन दिनों बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आपको इस तरह के सूट सेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, मींस जिसका बॉटम वेयर थोड़ा डिफरेंट हो, लाइक धोती शलवार या फिर काउल शलवार या काइट सलवार, बहुत तरह के सलवार है। बस सलवार में थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न लाओ एंड आपका एक डेफिनेट एक न्यू आउटफिट क्रिएट हो जाएगा। सो आप इस तरह के जो बॉटम वेयर वाले, सी अपर वेयर आप कुछ भी चूज कर लो, इसके ऊपर मेरा एक पर्टिकुलर वीडियो है कि आप किस तरह की कुर्ता के साथ में किस तरह के बॉटम वेयर को चूज कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लेना। सो डेफिनेटली आप थोड़ा डिफरेंट पैटर्न के मीन्स बॉटम वेयर में आप इस फेस्टिवल सीजन थोड़ा इंडो फ्यूजन लुक आप ट्राई कर सकते हो। जो लास्ट सूट सेट आपके पास होना चाहिए, मीन्स जो सिक्स्थ सूट सेट आपके पास होना चाहिए, दैट इज़ ये कभी ट्रेंड के बाहर नहीं जाता है। हर एक मौसम में, चाहे साल 2021 हो, 2022 हो या फिर 2030 हो, कभी भी ये ट्रेंड के बाहर नहीं जाने वाला है। दैट इज़ सॉलिड सूट सेट। ये सॉलिड सूट सेट एक ऐसा वर्सेटाइल पीस है जिसे आप आग बंद करके आप इन्वेस्ट कर सकते हो सॉलिड सूट सेट में। बट मैं यहाँ पे आपको बोलूँगी कि अगर आप सॉलिड सूट सेट में इन्वेस्ट करते हो, ऑलवेज़ इन्वेस्ट इन प्रीमियम क्वालिटी फैब्रिक। प्रीमियम क्वालिटी के फैब्रिक में आप इन्वेस्ट करो। हेड एंड मनी अपने आउटफिट पे इन्वेस्ट करते हो, तो किन टिप्स को ध्यान में रख के आपको शॉपिंग करनी चाहिए, डेफिनेटली वो टिप आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो अगर आपको इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि सॉलिड जो है कभी ट्रेंड के बाहर नहीं जाता है, एंड एक प्रीमियम क्वालिटी का फैब्रिक ना जाने कितने सालों तक, मीन्स आप जनरेशन टू जनरेशन उसे पास ऑन कर सकते हो। सो या ये था आज का टॉपिक कि किस तरह के सूट सेट इस फेस्टिवल सीजन आपके पास होनी चाहिए। फेस्टिवल से रिलेटेड एंड वेडिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगी, एंड उसका एक प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप चाहो तो उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो। एंड या अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। कोई वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय। एंड प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, लव यू। एंड मेरी मेहंदी जो है उतरती जा रही है, क्या करूँ, घर के काम तो करने ही पड़ेंगे। एंड घर के कामों से याद आया, अगर आप मेरी डे टू डे लाइफ देखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग चैनल को डेफिनेटली आप चेक कर सकते हो।